यस बेटा, 10th क्लास. नाउ वी आर गोइंग टू डू द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड एंड दैट इज स्टेप डिविएशन मेथड. डिविएशन मेथड द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड एंड द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द मीन. देखिए, वही हमने, आप पेज नंबर अपना निकाल लीजिए बुक का, 265 पे देख सकते हैं, वहां से मैंने ये एग्जांपल लिया है. तो वही क्लास इंटरवल है जो हमने डायरेक्ट मेथड में लिया, एज्यूम्ड मीन मेथड में लिया. अब हम स्टेप डिविएशन मेथड को समझने के लिए कर रहे हैं. तो ये थे हमारे क्लास इंटरवल, इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हैं कि 10 से 25 के बीच में दो ने लिए, 25 से 40 के बीच में तीन ने लिए, 40 से 55 के बीच में सात ने लिए. ये नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इतने इतने मार्क्स लिए हैं. फिर हमने क्लास मार्क निकाला, मैंने आपको बताया था, दिस प्लस दिस बाय टू करके इस तरीके से निकाला. फिर हमने मीन को एज्यूम किया 47.5. फिर हमने डीआई निकाला था, यानी कि इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया करके ये सब निकाला. अब देखो, अब क्या समझना है आपको नई बात स्टेप डिविएशन मेथड के लिए. स्टेप डिविएशन मेथड के लिए आपको समझना है क्लास साइज. क्लास साइज क्या होता है? दिस माइनस दिस, दिस विल बी द रेगुलर. और यहाँ पे भी उतना ही आपका डिफरेंस है, 15. देखो ये रेगुलर है, 15 आ रहा है. अब हमने क्या करना है, यूआई निकालना है. यूआई क्या होता है? एक्सआई माइनस ए बाय एच. ये एक्सआई माइनस ए तो हमने यहाँ पे निकाला था, एक्सआई माइनस ए निकाला था ना, वो डीआई था. डीआई को अगर एच से डिवाइड कर दें, एच था हमारा 15, 15 से डिवाइड करो माइनस टू, 15 से डिवाइड करो माइनस वन, फिर जीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री. एंड इसका एक और मेथड मैं आपको बताती हूं. जो जीरो है तो यहां पे देखो, अगर ये छोटे नंबर है तो उधर माइनस की गिनती बढ़ती जाएगी, माइनस वन, माइनस टू, जितने भी है माइनस लगाते जाओ. यहां पे प्लस के नीचे गिनती बढ़ती जा रही है, वन टू थ्री, और भी होता तो फोर फाइव, ऐसे चलता जाता. तो ये आसान चीज है, इसको ना भी करें और सीधा यूं लिखते जाएं, जीरो माइनस वन माइनस टू. वो कैसे देखना है, अगर यहाँ पे नंबर छोटे हैं तो ऊपर माइनस बढ़ता जाएगा, यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो इधर प्लस में बढ़ते जाएंगे. राइट बेटा, अब हमने निकालना है एफ आई यू आई. ये है हमारा एफ आई, ये है हमारा यू आई. देखो, टू माइनस टू माइनस फोर, थ्री माइनस वन माइनस थ्री, सेवन जीरो जीरो, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, सिक्स थ्री जा एटीन. अब हमें निकालना है सिग्मा एफ आई यू आई, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई. ये फॉर्मूला आपको हर हाल में लर्न करना है. जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं उनको लर्न करेंगे, क्योंकि वहां पे बताने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है एग्जाम में. आपको खुद लर्न करने हैं, खुद लिखने हैं. अगर आप थोड़ी सी भी चीज भूल जाते हैं फॉर्मूले की तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी. तो देखिए, ये माइनस के इकट्ठे किए तो माइनस सेवन, प्लस के इकट्ठे किए तो 36, इन में से इसको घटाया तो 29. अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, नथिंग इज देयर. ए एज्यूम्ड मीन था हमारा 47.5 प्लस हाइट एच. एच क्या था? क्लास साइज 15 इंटू एफ आई यू आई था 29 बाय एफ आई था 30, इसको कट करेंगे 14.5. आंसर सेम आएगा, मीन का आंसर. चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करें, चाहे आप इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से करें, चाहे आप स्टेप डिविएशन मेथड से करें, तो आंसर हमेशा मीन का सेम आएगा हर मेथड से. और एग्जाम में आपको अगर लिखा गया है कि स्टेप डिविएशन मेथड से करो तो आपको इसी मेथड से करना होगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है. लेकिन अगर वो नहीं लिखता है तो आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, आप एज्यूम्ड मीन मेथड से भी कर सकते हैं, किसी भी मेथड से कर सकते हैं. लेकिन बेटा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपसे एग्जामिनर कहता है, जरूर कहेगा कि इसको स्टेप डिविएशन मेथड से करके दिखाओ. तो आपको ये पूरा प्रोसेस करना होगा और ये क्वेश्चन को ध्यान से करना है. ये स्टेप डिविएशन मेथड काफी दूर तक जाएगा आपकी अपर क्लासेस में, हायर क्लासेस में, मास्टर क्लासेस में, हर जगह, इवन इन एमफिल आल्सो. जब आप डेटास को डील करते हैं, बड़े बड़े डेटास को, तो भी आपको जो है स्टडीज वगैरह में, थीसिस वगैरह में, इन सब मेथड्स की जरूरत पड़ती है. तो ये 10th क्लास की बात नहीं है बेटा, ये है बहुत बड़े लेवल की बात. आपको स्टेप डिविएशन मेथड हर हाल में आना चाहिए. डेटास को स्टडी करने के लिए स्टेप डिविएशन मेथड को
यूज किया जाता है। ओके बेटा, यस टेंथ क्लास, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 14.1 एंड व्हाट इज आस्क्ड। अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ द प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन नंबर ऑफ द प्लांट्स पर हाउस। तो हमें डाटा दिया हुआ है, देखिए नंबर ऑफ द प्लांट्स 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, इस तरीके से नंबर ऑफ द प्लांट्स एंड नंबर ऑफ द हाउसेज ये हैं कि इतने जो है हाउसेज ने 0 से 2 के बीच में पौधे लगाए, 2 हाउस ने 2 से 4 के बीच में, इस तरीके से हमें डाटा दिया हुआ है। तो इसका हमें निकालना है विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन। जब भी इस तरीके से कहा जाए हमेशा यूज करो स्टेप डिविएशन मेथड, राइट बेटा, ये बेस्ट मेथड है। तो हमारी ये फ्रीक्वेंसी आ गई, एक्स आई निकालेंगे, कैसे निकाला था, दिस प्लस दिस बाय टू, दिस प्लस दिस बाय टू 3, दिस प्लस दिस 10/2 5, दिस प्लस दिस 14/2 7, दिस प्लस दिस 18/2 9, दिस प्लस दिस 22/2 11, दिस प्लस दिस 26/2 13, राइट बेटा। अब आपने क्या करना है, आपने डी आई नहीं निकालना है, सीधा यू आई निकालो। और यू आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए बाय एच, एज्यूम मीन मानो पहले, देखो ये कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 3 इधर छोड़ो, 3 इधर छोड़ो, बीच का बचा नंबर 7, इसको एज्यूम्ड मीन ले लो, राइट बेटा। उसके बाद हमने क्या करना है, बिकॉज इट इज अ रेगुलर इंटरवल, हमारा क्लास साइज है 2, तो बिना सोचे समझे एज्यूम्ड मीन के आगे 0 लगाओ, घट रहे हैं उधर माइनस में बढ़ाते जाओ, -1, -2, -3, इधर बढ़ाते जाओ 1, 2, 3, यहाँ पे बढ़ रहे हैं वहां पे घट रहे हैं, इसलिए माइनस की गिनती ऊपर बढ़ाओ, इधर प्लस की गिनती बढ़ाओ। और ये तो आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से कर दो, लेकिन आया कैसे, देखो कैसे आया, एक्स आई माइनस ए यानी कि दिस माइनस दिस माइनस 6/2, 2 इज द क्लास साइज, -6/2, -3, तो इतना बड़ा कैलकुलेशन करने के बजाय सीधा एज्यूम्ड मीन के आगे 0 लगाओ, ऊपर माइनस की गिनती बढ़ाओ, इधर प्लस की, क्योंकि यहाँ पे घट रहे हैं ना 5, 3, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सीधा गिनती लगा दो, इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आना यही है। फिर हमने क्या निकालना है, एफ आई एंड यू आई, दिस इंटू दिस -3, दिस इंटू दिस -4, दिस इंटू दिस -1, 5 into 0, 0, 6 into 1, 6, 2 to 4, 3, 3 are 9। अब हमें इनको माइनस के इकट्ठे कर लो 8 आए, प्लस के इकट्ठे कर लो 19, और 19 में से 8 जाएंगे तो आ गया हमारा 11। तो सिग्मा एफ आई यू आई आया 11। फॉर्मूला फॉर स्टेप डिविएशन मेथड में फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, एज्यूम्ड मीन प्लस क्लास साइज एच, जिसको हम एच बोलते हैं, सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई। एज्यूम्ड मीन था 7, हमारा हाइट था, ना हाइट कह रही हूँ, ये वो है क्लास साइज 2 था हमारा, सिग्मा एफ आई 11, 11/20 से कट करेंगे 10, 7 + 1.1 = 8.1 हमारा आंसर आ गया। ओके बेटा, यस टेंथ क्लास, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 14.1। और क्या पूछा गया है, देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेली वेजेस 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। तो ये डाटा दिया है, ये वर्कर्स हैं, 12 वर्कर को 100 से 120 के बीच में पैसे मिले, 14 को 120 से 140, 8 वर्कर को 140 से 160, 6 वर्कर को 160 से 180 के बीच में, और 10 वर्कर को। तो ये कहता है फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। देखो कोई मेथड नहीं बताया तो हम लगा देंगे स्टैंडर्ड डिविएशन मेथड, वो बेस्ट मेथड है, राइट बेटा। तो फिर इसके बाद हम निकालेंगे एक्स आई, एक्स आई कैसे निकालते हैं, दिस प्लस दिस बाय 2 आया 110, दिस प्लस दिस बाय 2 130, यानी कि इन दोनों के बीच का आ रहा है ना, मिड पॉइंट जैसा आ रहा है, दिस प्लस दिस बाय 2 150, इस तरीके से सारे निकाल देंगे। देखो एक निकाल के दिखाया हुआ है मैंने, इस तरीके से आप सारे निकाल सकते हैं। और फिर वही काम करना है, एज्यूम्ड मीन लेना है 1, 2, 3, 4, 5, 2 इधर छोड़े, बीच में आया 150, इसके आगे लगा दो 0, घट रहे हैं -1, -2, 1, 2, एंड अब हमें किस किस को मल्टीप्लाई करना है, एफ आई को यू आई को, 12 - 2, 24, 14 - 1, -14, 1 जा कर रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 0 = 0, 6 1 = 6, एंड देन 10 2 = 20। अब देखिए
ये दोनों को इकट्ठे करेंगे तो कितना आएगा, -38, और इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो 26, और इन दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा -12, राइट बेटा। अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन मेथड का, जो कि होता है एज्यूम्ड मीन प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई। एज्यूम्ड मीन था 150, एच था 20। देखो एच यहां से आता है, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस रेगुलर होता है, नहीं रेगुलर हो तो रेगुलर करना पड़ता है, राइट बेटा। तो -12/50 करेंगे, इसको काटेंगे, पॉइंट में 4.8 आ जाएगा और आंसर आ जाएगा 145.20, राइट बेटा। यस 10th क्लास, नाउ आई एम गोइंग टू टेक अप अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी गायब है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और हमें क्या दिया गया है, मीन दिया गया है, और ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आता है। तो देखो स्टेटमेंट क्या है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। तो देखो बच्चों की जेब पर चले गए हैं, बच्चों की पॉकेट मनी बता रहे हैं। द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18, कहता है 18 रुपए एवरेज है उनका पॉकेट अलाउंस। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, वो निकालनी है। तो कहता है 7 बच्चे 11 से 13 के बीच में पैसे मिलते हैं, 6 बच्चों को 13 से 15, 9 बच्चों को 15 से 17, कितने कम पॉकेट मनी मिलता है ना, 13 को मिलता है 17 to 19, और 19 to 21 पता नहीं कितने बच्चों को मिलता है, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स आई निकालेंगे, दिस प्लस दिस बाय 2 12, दिस प्लस दिस बाय 2 14, इस तरीके से इसको जोड़ के डिवाइड बाय 2 करते जाएंगे, ये पूरा एक्स आई आ जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 3 इधर छोड़े, ये आ गया बीच का नंबर, ये बन गया हमारा एज्यूम्ड मीन। बीच के नंबर को एज्यूम्ड मीन लेते हैं, और यू आई निकालना है, सीधा 0 लिखो, डिक्रीज हो रहे हैं, -1 -2 -3, 1 2 3, राइट। नाउ दिस इज एफ आई एंड दिस इज यू आई, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिखो 6 -2 जा -12, 2 -1 -9, 13 0 जा 0, एंड एफ इंटू 1 एफ, 5 इंटू 2 10, 4 इंटू 3 12, राइट बेटा। अब माइनस के करेंगे तो -42, प्लस के करेंगे तो 22, दोनों को एड या सब्ट्रैक्ट किया, एफ भी बैठा है, एफ -22। तो देखो एक तो ये चीज आ गई और एक ये चीज आ गई। अब हमारा फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डिविएशन मेथड का, वो है बेटा ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई। एज्यूम्ड मीन था 18, प्लस ए था हमारा ये, एच था हमारा क्लास साइज, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। देखो ये 2 इंटू एफ -20 बाय सिग्मा एफ आई था एफ +44। अब देखिए 18 -18 0, इधर हो गया 0, 0 से जब ये नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2f -40 विल बी इक्वल टू 0, 2f will be equal to 40, f विल बी इक्वल टू 40/2, देन इट द आंसर विल बी 20। तो f क्या आया, जिन बच्चों को 19 से 21 के बीच में पैसे मिलते थे उनकी फ्रीक्वेंसी आई 20। 20 बच्चों को पैसे मिलते थे 19 से लेकर के 21 के बीच में, ओके बेटा। यस 10th क्लास, लेट अस नाउ टेक अप क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या पूछा गया है, 30 वुमेन आर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड अ नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। फाइंड द मीन ऑफ द हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज वुमेन चूजिंग अ सुटेबल मेथड। तो कोई मेथड नहीं कह रहा है, कोई मेथड ना कहे तो स्टेप डिविएशन मेथड लगाओ फौरन, बेस्ट मेथड। देखिए 65 से 68 हार्ट बीट है दो औरतों की, 4 औरतों की 68 से 71, 3 औरतों की 71 से 74 के बीच में हार्ट बीट आ रही है। हार्ट बीट नापते हैं ना कि कितनी पर मिनट आ रही है, तो डॉक्टर देख रहा है लेडीज की हार्ट बीट को, राइट। तो अब हमें एक्स आई निकालना है, एक्स आई कैसे निकलता है, दिस प्लस दिस बाय 2, 66.5। इसी तरीके से सबकी निकाल दो, दिस प्लस दिस बाय 2, दिस प्लस दिस बाय 2, सबकी निकाल लो। उसके बाद हमें एज्यूम्ड मीन लेना है, काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 3 इधर छोड़े, ये आ गया एज्यूम्ड मीन, लिख दो लेट एज्यूम्ड मीन भी। इसको लेट करते हैं यानी कि हम गैस करें कि हमारा मीन इसके आसपास आएगा, राइट बेटा। फिर हम निकालेंगे यू आई,
तो स्टेप डिविएशन मेथड में आप डीआई को स्किप करके सीधा यूआई निकालें, एज्यूम मीन के आगे जीरो, घट रहे हैं माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, वन टू थ्री ऐसे लिख दो और निकालोगे तो भी यही आएगा, दिस माइनस दिस बाय थ्री करेंगे तो माइनस थ्री आएगा, आप करके भी देख सकते हैं राइट बेटा, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होता है, हम लोग सीधा ऐसे ही कर देते हैं। अब देखो सिग्मा एफ आई यू आई, दिस इंटू दिस माइनस सिक्स, फोर इंटू टू माइनस एट, थ्री इंटू वन माइनस थ्री, क्योंकि माइनस के है ना, एट जीरो जा जीरो, सेवन वन जा सेवन, फोर टू जा एट, टू थ्री जा सिक्स, ये इन सबको जोड़ा माइनस के सेवनटीन, इन सबको जोड़ा प्लस का ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन में से सेवनटीन घटाया फोर, तो सिग्मा एफ आई यू आई आया। सिग्मा क्या होता है, इन सब का जोड़, एफ आई यू आई का सिग्मा निकाला फोर आया, और इस फ्रीक्वेंसी का सिग्मा थर्टी आया। फॉर्मूला क्या था, एज्यूम्ड मीन प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई, एज्यूम्ड मीन था 75.5 प्लस एच थ्री था, सिग्मा एफ आई यू आई फोर, सिग्मा एफ आई थर्टी, इसको कट कर दीजिए फोर बाय टेन एंड ये आ गया 75.9। ओके बेटा, यस टेंथ क्लास, नाउ लेट अस टेक अप क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ऑन पेज नंबर 271 ऑफ योर बुक। तो क्या पूछता है देखिए जरा, ये पूछता है इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज कैप्ट इन द पैकिंग बॉक्सेस, दीज बॉक्सेस कंटेन्ड वेरिंग नंबर ऑफ द मैंगोज, द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द बॉक्सेस। तो मैंगोज हैं 15 बॉक्स में 50 से 52, 110 बॉक्स में 53 से 55, 135 में 56 से 58, 115 में इतने, एंड ये नंबर ऑफ द मैंगोज बताया, ये बॉक्सेस हैं। तो हम एक्स आई निकालेंगे, दिस प्लस दिस बाय टू इतना, दिस बाय दिस, दिस प्लस दिस बाय टू इतना, तो सभी एक्स आई निकाल लेंगे। देखो एक निकाला हुआ मैंने, आप इस तरीके से सभी निकाल सकते हैं। फिर देखो वन टू थ्री फोर फाइव, दो इधर छोड़े दो इधर छोड़े, बीच का आ गया एज्यूम्ड मीन, लेट एज्यूम्ड मीन भी 57। अब हमें यू आई निकालना है, इसके सामने जीरो, घट रहे हैं माइनस वन माइनस टू, वन टू, एंड अब देखो एफ आई यू आई निकालेंगे, 15 टू जा माइनस 30, 110 वन जा माइनस, क्योंकि माइनस का था ना इसलिए, आगे देखिए 115 वन जा 115, 25 टू जा 50, इसको जोड़ा तो माइनस 140, इसको जोड़ा तो 165, और ये आ गया हमारा सिग्मा एफ आई यू आई, और ये है सिग्मा एफ आई, ये है 400। तो देखिए हमें स्टेप डिविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एज्यूम्ड मीन प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई, एज्यूम्ड मीन था 57, एच क्लास साइज होता है दिस माइनस दिस, 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 थ्री था, थ्री इंटू 25 बाय 400, 50 प्लस 0.1875, तो ये आ गया हमारा मीन 57.1875। ओके बेटा,